सभी को गुड मॉर्निंग। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मेयर, बजर प्रेसिडेंट, ऑल द बंदरद्वा यूथ, सभी को नमस्कार। आज सोशल सर्विस करके यहाँ से न्यू दिल्ली ब्रिज, डायोडक ब्रिज से आके पीटीसी तक हम लोग यहाँ सोशल सर्विस करके आज सोशल सर्विस कर रहा है। अभी मेयर साहब भी अटेंड किया आप लोग का साथ में, इसलिए हम लोग यहाँ सभी को, मैं बंदरद्वा वासी को रिक्वेस्ट है, अपना अपना घर, अपना जमीन जगह को, नदी नाला को सफा करके, गंदी जयंती में पूरा सफा करके बैठने से अच्छा है। आप इतना दूर से आया, ईटानगर से, अलग अलग जगह से, या हम लोग जितना भी खड़ा है, या अपना वार्ड नंबर 20 बंदरद्वा का वासी है, आप सबको मालूम है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अरुणाचल में घुसने के लिए, हालांकि अभी होलोंगी से थोड़ा सा आता है नीचे साइड का, और ऊपर से थोड़ा सा रास्ता अभी कुरुंग में और उधर से ये से खुल गया, बट ये सबसे परंपरा गेट, माने ओरिजिनल पुराना गेट जो है बंदरद्वा गेट है अरुणाचल का कैपिटल में घुसने के लिए। इसलिए बंदरद्वा का आदमी पहले से माने ज़्यादा हंसता है, इसलिए हम लोग ये लोगों को ये बोला है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अरुणाचल में लोकल आदमी को देखने के लिए बंदरद्वा से स्टार्ट करना है। बंदरद्वा वासी को हम अभी भी आगे रिक्वेस्ट करेगा, स्वास्थ्य ही सेवा में आगे बढ़ना है, और यहाँ में गुस्सा गुस्सी नहीं करना, ज़्यादा हसमुख होके वेलकमिंग नेचर होना है, क्योंकि यहाँ से हम जब स्टेट कैपिटल के लिए वेलकम करेगा तब अंदर जाकर इम्प्रेशन बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि गेट में ही थोड़ा एकदम कतरा होके ये नंख्यो मरतो दाऊ वगैरह लेके, थोड़ा आपका बॉडी लैंग्वेज, चेहरा भी गुस्सा गुस्सा होने से बहुत सब आदमी डर जाएगा, तो टूरिज्म का फुटफॉल्स कम होगा। बड़ा बड़ा जो स्कीम देने वाला बाहर का, जो स्टेट का आदमी, जो यूपी बिहार का जो ज्ञान देने के लिए आया, वो वापस भाग जाएगा। ऐसा नहीं करता है, मुझे मालूम है बंदरद्वा वाला अच्छा है, यहाँ में हमेशा सरकार का साथ देता है और काम एक साथ करता है। हम लोगों ने यहाँ आके आज पता चला, ये किपा लोरम जी का नेतृत्व में जितना उसका जुरिसडिक्शन है, पीटीसी से लेके और आगे जो बायोडेक्स से लेके अपना जुरिसडिक्शन में, बहुत जोर शोर से मैंने सुबह से देखा ये स्वास्थ्य ही सेवा अभियान में लगा हुआ है। तो बंदरद्वा का इम्प्रेशन वार्ड नंबर 20 का बहुत अच्छा है। साथ में आप देख सकता है वार्ड मेंबर का साथ, बहुत उम्र माने वरिष्ठ आदमी लोग भी 40 साल, 50 साल, 60 ईयर्स वाला भी इस अभियान में जुड़ा है। तो यहाँ आप लोग देख सकता है ये गेट में हम लोग पहले थोड़ा दिक्कत था, इसलिए मेरा नेतृत्व में ये जो हाई मार्क्स लगा दिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में, और थोड़ा से इम्प्रेशन भी सही होता है। और ये गेट भी आप लोगों को बता देगा, ये पहले स्कीम वाइज नहीं था, सिर्फ होलोंगी में दिया था। कॉरपोरेटर ने हमको रिक्वेस्ट करने का बावजूद, कॉरपोरेटर जो है बहुत चिंता करता है बंदरद्वा के लिए, इसलिए स्पेशल पैकेज में हम लोग ये स्मार्ट गेट दिया था। अभी बहुत स्मार्ट नहीं लग रहा है ये गेट जो है, हम तो अभी पहले बार देखा है, बट बंदरद्वा का गेट, कैपिटल गेट का अंदर में सब गेट से अच्छा होना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कौन कॉन्ट्रेक्टर इसको काम कर रहा है स्मार्ट सिटी का अंदर, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देना है हमको, ये स्मार्ट गेट नहीं लग रहा है। इसलिए यहाँ का पब्लिक का भी कंप्लेन, कॉरपोरेटर का भी कंप्लेन दिया हुआ है यहाँ आके, मुझे पता चला है। अभी स्वास्थ्य ही सेवा में हम सब्जेक्ट को नहीं भागते हुए, खास करके यहाँ का स्टूडेंट कम्युनिटी को, कॉरपोरेटर और वार्ड मेंबर को रिक्वेस्ट करेगा, ये एक दिन का नहीं है टोटल सर्विस, ये ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मोदी जी बोला है सारा देश को साफ करो, पेमा खांडू जी बोला है, खास करके सीएम साहब पेमा खांडू जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बंदरद्वा का आदमी को याद किया, हम बता दे रहे हैं जो दाएं बाएं खड़ा है, आप लोगों को ये बोला है कि बंदरद्वा गेट साफ होना है तब जाके ईटानगर साफ लगेगा। सीएम साहब ने बोला ये चेहरा है बंदरद्वा गेट, आप लोगों को इसलिए हम चार बजे उठ के आया ये खबर हम देने के लिए, क्योंकि एज ए मेयर खबर देना बहुत बड़ा बात है। अभी ये सोशल सर्विस होने का बाद भी हम सीएम साहब को मिलेगा, बंदरद्वा गेट का बुरा बुरी पूरा आधा मुरा निकला है, नकली नहीं किया बोल के हम रिपोर्ट बता देगा वह, कृपया आप लोग नकली ना करें, यहाँ का आदमी स्वस्थ रहना है, हसमुख रहना है, वेलकमिंग नेचर रहना है, ये करना है। और सीएम साहब ने कैपिटल को प्रदेश का चेहरा बोला है, हम लोग ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक नारा एड ऑन किया, हर घर साफ, हर घर साफ में सोशल सर्विस नहीं होगा, कॉरपोरेटर साहब का घर में भी डेली सोशल सर्विस वार्ड मेंबर लोग नहीं जाएगा, कॉरपोरेटर खुद साफ करेगा, हमारा मेयर का हम खुद साफ करेगा, एमएलए का खुद साफ करेगा, मिनिस्टर का खुद साफ करेगा,
सीएम सर गवर्नर भी खुद साफ करता है। आप सोचिए, सीएम सर और गवर्नर जब अपना घर को खुद साफ करता है मोदी जी का आदेश में, आप लोग काइंडली अपना घर को खुद साफ करिए। अपना अपना घर साफ हो जाएगा तो ईटानगर साफ हो जाएगा। फिर आप लोग ये नहीं बोलिए कि लंबू ताम में सुबह सुबह आके बहुत समझाता है, ये मत बोलिए। हम सुबह 3-4 बजे उठ के आना मतलब मेरा लिए नहीं, अरुणाचल का फ्यूचर के लिए, ये वार्ड नंबर 20 का फ्यूचर के लिए। और आप लोगों का सोच विचार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेली सोशल सर्विस नहीं करेगा, सिर्फ हम लोग जागृति देने आया, अवेयरनेस बिंग दे मैंने लोग महापा और अशोक जिमान यंग ने आर हम लोग स्पेशली देने लोग है। अभी आप लोग हमको नहीं बोला है, मत सोचिए। ये जो है हम स्पेशल एफर्ट डालेगा, आपने जो अभी नाला का काम देखा है, हम एकदम ऑन द रिकॉर्ड इतना सोशल मीडिया का सामने बोल रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट काम करने जाएगा, कॉरपोरेटर यहाँ सुन रहे हैं, वार्ड मेंबर लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी अभी सुन लीजिए। यहाँ में बहुत प्रॉफिट मेकिंग में हम लोग थोड़ा सा साइज को बड़ा बनाएगा, अच्छा से प्लान करेगा, जो भी ठेकेदार बनेगा फायदा के लिए करेगा तो होगा नहीं, ऐसे होने से हम डिपार्टमेंट से करवाएगा। ऐसे नहीं हो कि आप लोग अच्छा से मन लगा के करेगा बोलने से हम रेडी है। यहाँ में जो अपना जो मीडिया वाला से अभी पता चला है, ये जो 411 हाईवे तय होने के बाद हम लोगों को जगह क्लियर हो जाएगा, 15 दिन महीना भर में क्लियर हो जाने से हम लोग यहाँ में वेलकम स्टेचू क्या लगाएंगे। और उसका बाद अरुणाचल घुस रहे बोलने से, जैसे वो तो गेट नहीं है एयरपोर्ट का, तो पीछे है कुछ, हम लोग एक अलग ट्रेडिशन यहाँ लगाएंगे एरिया का, ये अपना समाज का। और नाला को हम लोग 100% करेगा, लेकिन ठेकेदार को अभी हम बता रहे हैं कौन ठेकेदारी करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मत दुनिए, अच्छा से काम करिए। फाइनली ये सोशल सर्विस सिर्फ आज के लिए मत करिए, बंदरदेवासी को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को हम स्पेशल अटेंशन देगा, आपका कॉरपोरेटर सुन रहा है, लेकिन वो खबर मिलेगा आज थोड़ा करके आप लोग सो गया बोलेगा तो हम नहीं देंगे, विद्रोह करेगा। तो आपको हम बहुत अच्छा लगा है और बहुत बड़ा संख्या में जो रहा है, सुना है पुलिस वाला भी आ रहा है, और यहाँ में ट्रेवल नॉन ट्रेवल नहीं बोल के बंदरदेवा का आदमी गेट का आदमी ज़्यादा से ज़्यादा साफ रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा कम होना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल कल्चर को मेंटेन करना है, और दारू पानी या गेजू करने वाला को आप लोग चेक करना है, यहाँ से जो ड्रग्स ले जा रहा है हम सब पुलिस जैसे बन के दिखाना है, जो पुलिस का काम करता है गड़बड़ होने से हम लोग को बताना है, पुलिस वाला को भी हम लोग शर्पी वाला को भी ठीक करेंगे, लेकिन पुलिस वाला का साथ आप लोग शर्पी का साथ हमेशा साथ देना है, जो इलीगल काम करता है नुलसी मालिक है। और ईटानगर में कोई डकैती डालने भी जाने नहीं सकेगा, पता चलेगा कि बंदरदेवा आदमी लोग बहुत होशियार है, हिम्मत है, वो लोग पुलिस जैसे है बोल के अच्छा डरेगा। तो प्लीज़ ये वातावरण, दो बात इस पर आया कॉरपोरेटर साहब आप बाद में बता दो, इस भर का नारा है स्वभाव स्वास्थ्य संस्कार स्वास्थ्य, दो बात है, स्वभाव मतलब आपका बिहेवियर एटीट्यूड आपका हाल चाल जो है अच्छा होना है, और आपका संस्कार माने आपका जो परंपरा काम जो है जो ट्रेडिशनली आप हमेशा साफ सुथरे के लिए सोचना है। तो इन चंद शब्दों का साथ दोबारा से जितना भी आप यहाँ जुड़ा है खास करके मीडिया बंधु को, आप लोगों को हम ये एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं, आज हम लोग लगभग हमारा अभियान सोशल सर्विस खत्म नहीं है, अभियान को हमारा टारगेट जो दिया हुआ है मोदी जी का पेमा खांडू जी का, लगभग हम लोग अंतरकाल का अंतर्गत का समय आसपास जा रहा है। आज का तारीख मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर टू में सोशल सर्विस चल रहा है, वार्ड नंबर 3 में चल रहा है अपना ईटानगर में, उसके बाद अपना डिप्टी मेयर का वहाँ वार्ड नंबर 7 वहाँ चल रहा है, बामंग ताजी साहब का वहाँ वार्ड नंबर 5 में चल रहा है, उसके बाद अपना वार्ड नंबर 13 में, ये पक्का है आपको पूरा फुटेज ऐसे मिलेगा। और आप सबका ये अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी प्रबंध किया, आप लोग सुबह सुबह आता है, इसलिए वार्ड नंबर 18 में ये काली मंदिर चांदनी होटल का सामने वाला, अभी नेक्स्ट में हम लोग वहाँ में जाके पूरा राउंड मारेंगे, सारा ईटानगर हम लोग साफ करेगा, IMC नहीं सकेगा, सारा पब्लिक साथ देना है। तो इस चंद शब्दों के साथ हम दोबारा से नमस्कार करता है, नमन करता है अपना वार्ड नंबर 20 का आदमी को, वार्ड नंबर 20 को तो बहुत बड़ा सौगात मिला है पेमा खांडू जी से, नरेंद्र मोदी जी से, जहाँ आप लोग आधा मुरा ब्लॉक होते रहता है, लड़ाई करते रहता है, आंदोलन करते रहता है, अच्छा हो खराब हो, अभी नाहरलगन निर्जुली ईटानगर से बंदरदेवा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 5-7 मिनट का फर्क है,
इसको भी हम तो सोचा है यहाँ बंदर दो आदमी लोग डेली निशी लोग यहाँ रहता होगा, दूसरा दूसरा जाति लोग अपतनी लोग गलो लोग ये लोग पूरा डेली मिथुन करते हैं सोचा था। अभी भी खबर नहीं मिला एक भी मिथुन करता है बोल के ऐसे मीटिंग सब में बोल रहा। अब लोग पूर्ति करना है यहाँ का आदमी सीएम साहब को अप्रिसिएशन करना है, मोदी जी को करना है, इससे बड़ा डेवलपमेंट कहाँ बनेगा। ये ब्रिज नकली नहीं है ना, वो आगे पीछे प्रॉब्लम दुर्घटना तो सारा दुनिया में होता है वो केयरलेस होने से, वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन आप लोग एक मुर्गी भी नहीं खाता है, दुख का बात है। आप लोग पार्टी करिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।